Yola, what is up guys? Today, आज बकचोड टॉक्स के एपिसोड 2 में वी हैव देवेश. देवेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका बकचोड टॉक्स में एंड MCG क्रिएशंस में. एंड शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के, बट उससे पहले आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? सो हाय गाइस, माय नेम इज देवेश. आई हैव अ YouTube चैनल, उसका नाम भी देवेश ही है, एंड आई मेक शॉर्ट फिल्म्स एंड कॉमेडी स्किट वीडियोस. सो या, मेक श्योर यू सब्सक्राइब. या गाइस, सब्सक्राइब टू देवेश एंड सपोर्ट करो भाई को, क्योंकि भाई ने रिसेंटली बहुत डिप्रेसिंग वीडियो डाली थी. आई क्विट विनोद. भाई देख, एक चीज तो है, कोई भी यूट्यूबर अगर बना रहा है वीडियो कि आई क्विट, तो मतलब वो तो बिल्कुल नहीं करने वाला. आई नो दैट. एंड तूने वो सिर्फ क्लिक बेट किया, वो पूरे वीडियो में तूने सिर्फ वही बोला है कि मैं वापस आने वाला हूँ. टेंशन मत लो, मैं वापस आने वाला हूँ रीब्रांडिंग करके, बट मैं वापस आऊंगा. इट्स जस्ट टू ब्रेक फॉर मी. सो देवेश, ये YouTube स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? सो बेसिकली मैं पहले 8th स्टैंडर्ड में था, और ये ऐप आया था जिसका नाम था वाइन, जिसमें 6 सेकेंड्स के कॉमेडी वीडियोज हम लोग डाल सकते थे. एंड इंडिया में बहुत सारे लोग वाइन यूज नहीं करते थे, तो वो क्या करते थे, छोटा छोटा फनी वीडियो बना बना के इंस्टाग्राम पे डालते थे. एंड मैंने भी वही किया, एंड ऐसे कर करके फिर 1 मिनट का कॉमेडी वीडियो बना के, तो ऐसा ना पूरा एक कम्युनिटी फॉर्म हो गया जिनका नाम था इंडियन वाइनर्स, जिसमें मैं था, थोड़े और वाइनर्स थे, उसमें आशीष चंचलानी भी था, हर्ष बेनीवाल भी था, तटागट भी था. तो ये सब लाइक एक कम्युनिटी था, सब साथ में थे. देन कैसा हो गया, धीरे धीरे करके जो भी लोग हैं, सब लोग अपना एक बेस बनाने लग गए, बेस बना बना के यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने लग गए. एंड मैं एक्चुअली फर्स्ट जो वीडियो डाला था, डैट वॉज इन 2012. लाइक बहुत स्कूल टाइम में था मैं, तब मैंने वीडियो डाला था इसी टाइम पास के लिए. फिर उसके बाद जब इंस्टाग्राम पे आया, बेस बना मेरा, मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए. फिर उसके बाद मैंने सोचा ओके, नाउ लेट्स टेक इट टू यूट्यूब, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही था कि मैं यूट्यूब पे आऊँ. बट मेरे को ऐसा चाहिए था कि एटलीस्ट एक बेस बना रहे मेरा, कि अगर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट भी किया तो लाइक मेरे को लिमिटेड टाइम में 1000 सब्सक्राइबर्स मिल जाए. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. सो ऐसे में होते गया. कूल. That's nice. We और मैंने देखा है, we all start from comedy. Yeah. सब comedy से start करते exactly. हैं. मतलब कुछ और मिला नहीं, कुछ रहेगा जो technical चीजों से start करेंगे. जैसे मैंने episode 1 में वो master minute का किया, उसने technically start किया था. बट majority 90% public, जो हम जैसे gamers भी रहते हैं ना भाई, we also start with comedy. ये कैसी चीज है ना, जैसे अभी मैं बताता हूँ, भुवन बाम सबको पता है, जो viewers है उन्हें भी पता है भुवन बाम कौन है. अब चीज़ यहाँ पर ऐसी है कि सब लोग को तो ये लगता है ना कि भुवन बाम इज अ कॉमेडी क्रिएटर, कॉमेडी कंटेंट बनाता है वो. बट भुवन बाम को वो कभी बनाना ही नहीं था. भुवन बाम का मेन मोटिव है टू सिंग. अब भुवन बाम को पता था कि अगर मैं अचानक से इसी चैनल बनाऊंगा जिसपे मैं गाने लग जाऊंगा और डालूंगा, अपलोड करूंगा, उस पर व्यूज नहीं आएंगे. उसको पता था कि इंडिया में कॉमेडी बहुत ज़्यादा चलती है, तो उसने वही किया, उसने पहले कॉमेडी वीडियोज बनाया, उसने अपना बेस क्रिएट किया, उसको मिलियंस में सब्सक्राइबर्स मिल गए. तब जैसे उसके मिलियन सब्सक्राइबर हुए, तब उसने अपने तब उसने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया कि हाँ देखो, मेरा मेन टैलेंट ये नहीं है, आई कैन सिंग एंड आई वांट टू सिंग. तो कॉमेडी कंटेंट बनाने का सिर्फ ये था टू जस्ट गेन द ऑडियंस, और जब ऑडियंस आ गई, गेन द ऑडियंस, तब उन्हें उनका रियल टैलेंट दिखाने के लिए. सो बहुत सारे लोग ये करते हैं, बट स्टिल वो कॉमेडी के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं अपार्ट फ्रॉम सिंगर. आज भी अराउंड कुछ 70% लोगों को नहीं मालूम कि भुवन बाम इज अ सिंगर, बट सबको ये मालूम है कि भुवन बाम बीबी की वाइंस करके वो चैनल है एंड वो कॉमेडी करता है एंड ऑल. एग्जैक्टली, क्योंकि लोग को ना इंडिया में, स्पेशली इंडिया में लोग कॉमेडी कंटेंट पे ज्यादा विश्वास करते हैं, और अगर म्यूजिक वगैरह पे जा रहे हैं तो वो सिर्फ मेन स्ट्रीम वाले लोग को फॉलो करते हैं, अंडररेटेड लोग को बिल्कुल नहीं करते. एग्जैक्टली, राइट. सो देवेश, व्हाइल दिस जर्नी ऑफ योर्स, व्हाट ऑब्स्टेकल्स डिड यू फेस? ऑब्स्टेकल्स, सबसे पहला टू कन्विंस द फैमिली कि आई एम डूइंग दिस. सो इंडिया में यूट्यूबर्स वही करते हैं, दे प्रीफर नॉट इवन टेलिंग टू देयर फैमिली कि क्या कर रहे हैं, दे जस्ट मेक वीडियोज. अब मेरे इस पर कैसा हो गया, मेरा तीसरा या चौथा वीडियो ही था वो वायरल हो गया, उस पर लैक्स में व्यूज आ गए.
एंड क्या बात है. देन चीज़ कैसा हो गया कि वन ऑफ माई रिलेटिव सॉ इट, देन उन्होंने कॉल किया मेरे मॉम को कि लाइक अरे देवेश का यूट्यूब चैनल है एंड ऑल दैट स्टफ. सो यहाँ से मॉम को पता चल गया. फिर कैसा हो गया, मेरे को लगा सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट इनफैक्ट आगे के जो मेरे 3 वीडियोस थे उसका स्क्रिप्ट मेरी मॉम ने लिख के मेरे को दिया था. क्या बात है, क्या बात है, सो ऐसे चलता गया चलता गया. नाइस. बट देन ऑब्स्टिकल्स की अगर बात करें तो आगे चल के हो गया. अभी सिचुएशन ऐसा है कि चैनल स्टक हो गया है, काइंड ऑफ डेड हो गया है. तो ये सब टाइम पे ना, क्योंकि फैमिली तुम्हें सिर्फ तब तक सपोर्ट करेगी जब तक तुम ग्रो कर रहे हो. जब तुम ग्रो कर ग्रो रहे हो, नहीं राइट. कर रहे हो ना, तो एक काइंड ऑफ लाइक अब एज ऐसा हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है. सो हमारा जो ट्रायल पीरियड था वो खत्म हो गया है कि लाइक ठीक है चल यूट्यूब ट्राई करके देखते अगर वर्क किया तो. अभी ऐसा नहीं है, अभी और भी काम होते हैं. सो यार एक वो हो गया. फिर ये सारे यूट्यूबर्स को पता है, तुम कितने भी टैलेंटेड हो, तुम टैलेंटेड 0% हो या 100% हो, तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करोगे ना, तुम्हारे खुद स्टार्ट के करोगे, फ्रेंड्स तुम्हें नीचे खींचेंगे. लाइक क्या कर रहा है आई नो. ब्रो, यू यू कांट डू दिस स्टफ, तू इसमें अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह. बट इवेंचुअली हमें क्या करना रहता है वो टाइम पे, हमें उनको हमारे शब्दों से नहीं, हमारे एक्शन से उनको जवाब देना एक्शन से रहता है. मारना रहता है. एंड एग्जैक्टली बहुत सही, वही जो लोग मुझे पहले बोलते थे क्या कर रहा है वगैरह, अभी वही लोग प्रेस करते हैं मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ गए थे एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. दैट्स काइंड ऑफ रिलेटेबल टू मी. या एग्जैक्टली. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3 ब्रो, वेयर डिड यू लर्न दिस दीज एडिटिंग स्किल्स एंड ऑल? सो कैसा हो गया, पहले जब बनाया था चैनल यूट्यूब में, तब स्टार्टिंग में तो हम फोन से ही शूट करते थे, फोन से एडिट करते थे. तब लगा कि हाँ यार अब क्वालिटी चाहिए, क्योंकि तब बढ़ गए थे फोन से करते करते 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे. लगा यार अब ओहो, करना है, अब करना है. और 2000 सब्सक्राइबर्स भी कुछ एक हफ्ते में ही हो गए थे. अब तो ग्रोथ फास्ट हो रहा है, लोगों को क्वालिटी चाहिए. फिर DSLR से हमने शूट करना ट्राई किया. फिर DSLR से किया, अब लगे यार DSLR से अगर हम लोग कैमरा अच्छे कैमरा से वीडियो निकाल रहे तो फोन से एडिटिंग थोड़ी वियर्ड लगेगी. ठीक है चलो अब राइट. एडिटिंग के लिए किसी को देना पड़ेगा. तो वो टाइम पे ना कैसा सिचुएशन था, मैं बहुत सारे लोग को एडिटिंग के लिए अप्रोच किया कि यार कोई प्लीज एडिट कर दो मेरा, प्लीज एडिट कर दो. क्योंकि वो कैसा था कि मैंने जस्ट स्टार्ट किया है ना, आई डेंट हैड एनी मनी टू जस्ट हायर एनी एडिटर. तो जितने भी लोग थे मेरे फ्रेंड्स थे उनसे पूछता था कि यार कोई करेगा, सब मना कर रहे थे कि लाइक क्या यार तेरा कुछ ग्रोथ नहीं होने वाला, तू बस ऐसा करेगा ये वो ये वो. सो आई थॉट ओके फक इट, आई नीड टू स्टार्ट इट बाय माई ओन. तो मैंने लाइक जो मेरा नॉर्मल पीसी था, डब्बा टाइप पीसी था, उस पर मैंने फिल्मोरा करके जो ऐप है, सॉफ्टवेयर है सॉरी, आई नो वो आई नो आई लिया नो. एंड कैसे कैसे करके हर एक बटन दबा दबा के क्या क्या करके कुछ सीखा. और बाकी चीज़ें जो प्रोफेशनल थोड़ी और करनी थी वो यूट्यूब से किया. तो लाइक यूट्यूब पे वीडियोस डालने के लिए ही यूट्यूब ने मुझे सिखाया कि कैसे सब करना है तुम्हें. वो तो वही है यार, सिखा दे सीख जाते हैं. मैंने भी मतलब मैंने किसी को ऐसे अप्रोच नहीं करा था, बिकॉज वो टाइम पे कैसा था कि आई वॉज टोटल इंट्रोवर्ट, यू नो. तो मैंने किसी को अप्रोच नहीं करा था, एंड मेरे कांटेक्ट में कोई था भी नहीं अप्रोच करने के लिए ऑफकोर्स. तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, हम कंप्यूटर्स के बारे में इतना तो जानते ही है, सीख लेंगे खुद से ही, देखते हैं जो होगा. तो यूट्यूब जिंदाबाद. ऑफ कोर्स. तो यूट्यूब पे सर्च कर करके फिर खुद से थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी लगा लगा के मैं सीख गया. अभी भी मेरे को ना थंबनेल बनाने में दिक्कत होती है, बाकी एडिटिंग इज ओके. मैं एडिटिंग में तो फर्स्ट क्लास कर सकता है. ओके कूल. सो देवेश, अब सवाल जवाब तो बहुत हो गए, लेट्स कम टूवर्ड्स आर गेम. ऑल राइट. ठीक है. सो टेल मी, हाउ गुड आर यू इन टंग ट्विस्टर्स? अभी जस्ट थोड़े देर पहले इसी इंटरव्यू में मैंने थोड़ा हगा है टंग ट्विस्टर में, बट आई एम प्रेटी गुड एट इट. यू श्योर यू आर प्रिटी गुड एट इट? क्योंकि मैं आई विल गिव यू, एक मिनट, CHADI. हाँ, आई विल गिव यू 5 टंग ट्विस्टर्स. ऑल ओके राइट. ओके. अगर तू अगर यू हैव टू परफॉर्म ईच टंग ट्विस्टर 10 टाइम्स, ठीक है, बिना अटके. ओके, दैट्स डिफिकल्ट, आई नो, इसलिए मैंने 5 ही गिने. बिकॉज अगर हगा बीच में तो यू विल टेक द पेन एंड राइट अ सी ऑन योर हैंड. ठीक है, अगर तूने वो सक्सेसफुली कर दिया तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर वन. जब तक तो तू हकता नहीं है तब तक आई विल कीप रिप्लेसिंग. ओके. व्हाट अबाउट यू, अगर मैंने सही से कर दिया तो तू अपने हाथ पे सी लिखेगा, व्हाट अबाउट दैट? चलेगा कूल. चलेगा. आई एग्री आई एग्री, मैं अपने हाथ पे सी लिख दूंगा. ठीक है. कूल. लेट आई हैव अ मार्कर विद मी, सो मैं अपने हाथ पे सी लिख दूंगा. ओके, अगर तू नहीं हगेगा मैं अपने हाथ में सी लिखूंगा, कूल. बट अगर तू हगा तू लिखेगा. वैसे करके अपने को चड्डी खत्म करने का, ठीक है, ओके. CHADDI, ऑल राइट. चड्डी. साउंड्स ओके. फन. सो
सो योर फर्स्ट टंग ट्विस्टर इज आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. अगेन. ओके अगेन. आइसक्रीम मैं चिल्लाया. आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. आइसक्रीम लास्ट में आइसक्रीम खाने वाली आइसक्रीम. ओके अगर अभी भी ना ना हिंट ना मिल आई गया गॉट तो इट मैं आई लिख के गॉट इट आई भेजू. गॉट इट. ओके कूल. ओके फर्स्ट सो फर्स्ट वेट लेट मी टेल यू. इट्स आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. ऑल यप. राइट. एंड व्हेनेवर यू आर रेडी. टेन टाइम्स राइट. यप 10 टाइम्स. आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. 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 आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम. फक. अटका. मैं वही सोचूं भाई ये 6 बार तक पहुंच गया. फक. अटका 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 अटका. अच्छे से हो ओके जाता. सी. आई नीड वॉटर. ओके या आई एम. सी लिख दिया. हाँ हमारे हाँ व्यूअर्स को जी. एक बार कैमरा मैन इट्स से हाथ सी. लंबे करके बता दे. सी फॉर चूतिया नहीं, सी फॉर चड्डी वाला सी. कूल. मैं चूतिया भी लिखवा सकता था लेकिन फिर वो यूट्यूब नाटक करता था हाँ. उल्टा. एनीवेज ओके सेकंड वाला पड़ा है. ओके फाइन. योर सेकंड वन इज बेटी बॉट अ बॉट अ बिट ऑफ ए बटर बट भाई. शी सेड. आंसू करे छे तू. ओके चल तू इतना ही बोल ले. बेटी बॉटर बॉटर बिट ऑफ बटर. ठीक है एक ही लाइन है. बेटी बॉटर बॉटर बिट ऑफ बटर. ओके बेटी बॉटर बॉटर बिट ऑफ बटर. बस बेटी बॉटर. हाँ बेटी बॉटर. हाँ लाइक हैरी पॉटर. हाँ हैरी पॉटर वैसे बेटी ओके बॉटर. हाँ बॉट अ बिट ऑफ बटर. ऑल राइट. ओके कूल. व्हेनेवर यू आर रेडी. या ओके सो स्टार्ट. बेटी बॉटर बॉट अ बिट ऑफ बटर. 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 फक. ओके आई विल राइट इट नाउ. ओके फाइन. मार्कर विद द मार्कर. हाँ आई एम राइटिंग इट विद द मार्कर. सी ठीक है मैंने दिखा दिया इधर. आई हैव रिटन इट विद द मार्कर. ओके सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. आई सॉ सूजी सिटिंग इन अ शू शाइन शॉप. फक. आई सॉ सूजी सिटिंग इन अ शू शाइन शॉप. ठीक है. सुसाइन सुसाइन नहीं शू शाइन. क्यूजिन. ठीक है शू. हाँ जूता चमकता है शू शाइन. अच्छा शू शाइन शॉप. हाँ ओके. आई सॉ सूजी सिटिंग इन अ शू शाइन शॉप. ठीक आई है सॉ सूजी सिटिंग ऑन अ शू शाइन इन अ शॉप. इन अ इन अ इन अ ऑन अ नो आई सॉ सूजी सिटिंग इन अ टिटिंग नहीं. अबे टिटिंग नहीं सिटिंग सिटिंग. ही बोला. आई सॉ सूजी सिटिंग इन अ शू शाइन शॉप. यप दैट्स गुड. ओके दिस इज डिफिकल्ट. ट्राई ट्राई ट्राई. ओके. ओके स्टार्ट. आई सॉ सूजी सिटिंग इन अ शू शाइन शॉप. आई सॉ सूजी सिटिंग ऑन अ शू. ऑन बोल. यस प्रिपोजिशन. यस यस दिस वॉज हार्ड. ओके दैट ओके गोज फॉर एच. मैं प्रिपोजिशन में नहीं होता तो मैं कर लिया होता. ओके ओके फाइन. ठीक है विल सी आगे और भी ऑल आएंगे. राइट ओके फाइन. दिस इज बिग. ओके दैट्स व्हाट शी ये सेड. लाइन बड़ा है. ओके हाउ मच वुड वुड अ वुड चक चक इफ द वुड चक कुड चक वुड. हाउ मच वुड
वुड अ वुडचक चक, इफ द वुडचक कुड चक वुड। तू ये पढ़ के बता रहा है ठीक है, इसलिए बता। तेरे लिए इजी है। हाउ मच वुड वुड अ वुड चक चक इफ अ वुड चक कुड चक वुड। वुड मैं फूड फूड कर फूड दूंगा फूड मत मैं। बोलना, वुड बोलना ठीक है, फूड मत बोलना। ओके ओके, दिस गेम जस्ट गॉट अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग गाइस एंड हार्ड फॉर मी। यप ओके फाइन, व्हेनेवर यू आर रेडी। ओके स्टार्ट। How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? How much would a woodchuck would chuck if a woodchuck would chuck wood? Woodchuck woodchuck kya? How much would a woodchuck woodchuck bol rahe tu? Wood. How much would a woodchuck chuck if वुड चक यू सेड या वुड चक। हाँ आ इट्स हार्ड, दैट्स व्हाट शी सेड। सो गाइस मैंने चार लिख दिया है, डी बाकी है ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है, गो ऑन। ओके ठीक है, दिस वन शुड बी इजी फॉर यू। चल मैं फजी वजी छोड़ दिया ठीक है। या शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। शी लड़की, लड़की ठीक है। शी शी सेल्स सी शेल्स, हाँ सी शेल्स आते ना बाय द शी सेल्स, शी सेल्स बाय द सी शोर। सी शोर नहीं, शोर 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 चिल्लाओ, शोर ना मचाओ वाला शोर। या यप वेट लेट मी ग्रास्प इट ठीक है, चल Whenever you are ready. Okay. Start. She sells by the she. नहीं क्या हो गया, क्या हो गया मेरे टंग ट्विस्टर को, जो बचपन से पूरे स्कूल में लोग मेरे को कच्चा पापड़ पक्का पापड़ किंग बुलाते थे, क्या हो गया उसे। लॉल ओके तू कच्चा पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ किंग है तो नेक्स्ट वन शुड बी रियली रियली इजी फॉर यू बिकॉज ये तो बचपन से हम करते आ रहे हैं। या ठीक है तो डी लिख दिया आपने। या लिख दिया, दिखाओ भी दिया लोगों को, एंड आई होप नेक्स्ट वाला खड़क सिंह वाला नहीं है राइट। नहीं नहीं हाँ। खड़क सिंह वाला नहीं है, अपने चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चांदी रात में चटनी चटाई। ओके दिस वन शुड बी इजी, should be easy, yeah. I can't assure you but yeah should be easy cool। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। yep this is one okay okay बीच वाला भूल मत जाना क्योंकि बेसिकली लोग इसका बीच का कंटेंट वो तो गाना है रे चंदू के चाचा ने, हमें वो नहीं करना। ओके राइट ठीक है रेडी 1 2 3 स्टार्ट। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। Yes! Nice. I will agree. मैं H लिख देता हूँ अपने हाथ में, सूतिया का नहीं चड्डी का H ठीक है। Yes. ये मैंने H लिख दिया है, CH ठीक है कर दिया मैं। So we'll go to the next one. अच्छा चल, you are the कच्चा पापड़ पक्का पापड़ king ना, चल तो मैं अपने ऊपर थोड़ी हार लेने को रेडी हूँ, तू कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कर ले। Okay. Cool. ये तू गिन ले ठीक है, मैं नहीं गिनूंगा।
कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 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 10 बार हो गया, मैंने 10 बार के ऊपर बोल दिया, फर्स्ट में बैठना चाहिए था। पानी का यार स्कूल के दिन याद आ गए मुझे। मैंने ए लिख दिया है विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम चूतिया, तो सी एच ए आ गया है हमारा, ठीक है गाइस। तो अब चल तेरे हाथ पे आए लेके आते हैं। ओके दिस इज अ टू लाइन वाला, दो लाइन वाला, ठीक है। ल्यूक लक लाइक्स लेक्स, ल्यूक्स डक लाइक्स लेक्स, पहले लक है फिर डक है, ठीक है। व्हाट द फक है ये। या स्टार्ट। ल्यूक लक लाइक्स लेक, ल्यूक डक लाइक्स लेक, 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 ल्यूक लक लाइक्स लेक, ल्यूक डक लाइक्स लेक। फक मैं भाई साहब, मैं आठवें में अपने हाथों पे लिटरली डी लिखने के लिए रेडी हो गया था। अरे आठवें पे हो गया यार, यू नो तूने क्या किया यार, तूने डी और एल को तूने स्वैप कर दिया, तूने ल्यूक लक डाइक्स लेक। ल्यूक गाइस मेरी चड्डी पूरी हो चुकी है। ओके दैट वाज रियली रियली फन भाई, वो कंपटीशन अच्छा था। मैं बचा हूं, मैं 2 वर्ड से बच गया हूं, ठीक है। श्योरली, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी गाइस, दिस इज देवेश, सब्सक्राइब टू हिज चैनल। जो चैनल डेड है उसको थोड़ा जगा दो यार, बेचारा आई क्विट विनोद कर रहा है वो, उसका उसको क्विट मत करने दो गाइस। मैं छोड़ दूंगा ऐसा ऐसा बकचोद बाबा जी करते हैं, गाइस मैं छोड़ दूंगा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। सो गाइस कीप अप द एनर्जी, व्रज के चैनल को सब्सक्राइब करो, एमसीजी क्रिएशंस, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड सपोर्ट हिज चैनल, ठीक है। बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, बंदे ने बहुत इन्वेस्टमेंट भी किया, तो उसको सपोर्ट करो, उसको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी मिलना चाहिए। एनीवे थैंक यू वेरी मच ब्रो एंड